हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। सौगात के तहत प्रदेश के ग्वालियर जिले को 1128 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया गया। वहीं प्रदेश के लिए 5380 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने कहा कि भोपाल में अब हवा में चलेगी बस। इसके लिए मैंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर ली है। भोपाल जिलों का शहर है, इसलिए यहाँ पर हवा में बस चलाकर सड़कों पर ट्रैफिक कम करेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि हाईवे के आसपास पौधारोपण जरूर करें ताकि हरियाली बढ़ सके। इस प्रकार से हवा में बस चलाना एक नई टेक्नोलॉजी है जो प्रदेश को मिलने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चों को मिलेगी अब सोने की अंगूठी। अर्थात जो बच्चा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के दिन पैदा होगा, उन्हें सोने की अंगूठी दी जाएगी। यह बड़ा प्लान तमिलनाडु बीजेपी ने किया है। तमिलनाडु बीजेपी से इस प्लान पर आने वाले खर्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम की होगी, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपये के आसपास होगी। तमिलनाडु के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि हमने चेन्नई स्थित सरकारी अस्पताल RSRM को चुना है, जहां PM के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि यहां पर 17 सितंबर के दिन 10 से 15 बच्चे पैदा हो सकते हैं। इन्हीं 10 से 15 बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस प्रकार तमिलनाडु बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही अलग तरीके से मना रही है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।